हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज। और मैं सोच रहा हूँ, अच्छा बीच में तुमको तो मालूम नहीं होगा, मैंने एक छाते वाला एक जाला लाया था। हाँ। और भी एक टाइप का जाला लाया था, वो नदी में डालने वाला और ड्रम टाइप का। दोनों के दोनों वो जाले फेल हो गए, तो मछली पकड़ में नहीं आई। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर से कोशिश करेंगे, वो जो छाता वाला टाइप का जो डिजाइन का है उसमें कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा तो वो फेंकने वाला जाल था भाई, वो तो ट्राई के कर करके हाँ पूरा हालत खराब हो गया भाई। उसमें तो नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि वो फेंका भी नहीं जाता सही से, क्योंकि उसमें वो क्या बोलते हैं, वो पकड़ने के लिए भी सही से वो हैंडल नहीं है ना, और वो जाला भी चिपक जाता है एक दूसरे के साथ आपस में, तो फ्री नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको फेंकने में। तो हमारा वो जो छाते वाला जो जाला है उसको बस छाते के जैसा खोल दो, उसके अंदर दाना वाना कुछ भी डाल दो, जैसे कि राइस वाइस कुछ भी हो गया, आटा वाटा कुछ भी हो गया डाल दो, फिर पानी में फेंक देना है। मछलियाँ जब वो चारा खाने के लिए आएंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो पकड़ने के चांसेस होते हैं। मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी देखा था वो, तो उसको ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट लेंगे। मैंने तो एक बार ट्राई किया था, फेल हो गया था। मैंने भी वीडियो में ये देखा था भाई, कभी रियल में कभी तो यूज नहीं किया था। हाँ हाँ हाँ, आज थोड़ा देखते हैं, कोशिश करते हैं। बिल्कुल ट्राई करेंगे, क्या कुछ होता है दिखाते जाएंगे। हालांकि अपने साथ में चावल नहीं लाया आज, भूल गया हड़बड़ी में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले ना चावल बना लेंगे, चावल बनाने के बाद उसको उसके अंदर भर के जाला डाल देंगे पहले, फिर नेक्स्ट का जो आइटम है वो धीरे धीरे बनाते रहेंगे, वो जाला उसके पानी के अंदर रहेगा, मछली आएगी तो ठीक। ट्राई करेंगे, देखते हैं आज क्या होता है। और एक बात और भी है, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, दशहरा का सीजन, और महालया भी गया था 15 दिन के लिए, इसलिए उसमें भी मैंने नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। और नवरात्रि भी चल रही है, उसके बाद कार्तिक का महीना भी आ जाएगा, यहाँ पर कार्तिक के महीने भर में भी नॉनवेज नहीं खाते, तो इसी वजह से आज भी अगर मछली पकड़ में आएगी तो खा नहीं पाएंगे भाई, ये क्या बोलते हो, खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बस पकड़ते हैं कि नहीं वही देखना बाकी है, पकड़ में आती है कि नहीं। अगर पकड़ में आ जाती हो तो पकड़ लेंगे, सक्सेस हो गए सोचते छोड़ देंगे, ये सब खत्म हो रहे तो फिर देखेंगे, ये क्या बोलते हो। हाँ, ऐसे ही करेंगे भाई। तो आज नए जाल में सुन के हाँ, अभी से मुझको उल्टी आ रही है क्या? उल्टी नहीं अंदर से वो बोलते हैं ना, डकार आ रही है, गैस्ट्रिक हो रहा है। डकार नहीं, वो अंदर से वो कहते हैं ना एक्साइटेड है। अच्छा, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है बोल रहे हो? एक्साइटेड है। अच्छा अच्छा क्या क्या वो उल्टा सीधा भोग देते हैं भाई। ठीक है, चलो कैंपिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। और मैं एक और बात बता दूं वेदर के बारे में, आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, कुछ नहीं तो लगभग 48% ऐसे कुछ दिखाया था, थंडर स्टॉर्म होने के भी चांसेस थे, क्योंकि 3-4 दिन से धूप हो रखी थी, कड़ी वाली तगड़ी वाली, और आज भी धूप हो रखी थी, गर्मी बहुत थी। तो गर्मी अगर होती है तो धूप होती है तो थंडर स्टॉर्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? तो हो सकता है बारिश भी मिल जाए आज। वैसे कैंपिंग लोकेशन तक तो पहुंच गए, पीछे नदी की व्यू मतलब रिजर्वर की व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे ही फिशिंग करने का प्लान कर रहा हूँ। यहीं पर ही मैंने कोशिश किया था पिछली बार भी, सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन बादल जैसे आ रहे हैं, यहाँ पर आने पर हमेशा बारिश ही हो जाती है लगता है। वो बादल की फॉर्मेशन देख रहे हैं, डिजाइन महादेव जी के चोटी जैसा है कि नहीं? तो बादल को देख के बोल दो भाई हर हर महादेव। आज तो सोमवार भी है भाई। हाँ, सोमवार भी है, देखो सोमवार के दिन में महादेव जी दिख गए बादल के रूप में। देखिए टेंट जो सेटअप करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर ही थोड़ा प्लेन सरफेस मिला, आसपास और कुछ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर सब ढलान वाली प्लेसेस हैं, और पानी के पास तो ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, खास करके बारिश के मौसम में, तुम तो जानते ही हो रिस्क हो जाता है,
इसलिए यहीं पर ही सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई चलो, चलो लगा लेते हैं। उठा लेंगे, उठा 70-80 किलो के हो गए भाई, कैसे उठाऊं? हाँ उठा ले रे बाबा, आज तो पूरा पतला भी हो गया। ये टेंट को उठा ले बोल रहे हो? मेरे साथ टेंट को भी उठा ले भाई। बच्चे की जान लोगे क्या? तुम्हारे साथ टेंट को उठा लूं? मैं क्या WWE का रॉक दिखता हूँ क्या तुमको? हाँ तुम्हारा छाती देखो भाई। फटाफट से स्टेक्स भी लगा लेंगे, हवा जितनी तेज हो रही है कहीं टेंट ना उड़ के चले जाए। आज तो पूरा बारिश की प्रेडिक्शन है भाई। सारा सामान निकाल लेंगे, और क्योंकि हवा भी काफी तेज है ना बाहर, इसीलिए प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विंडशील्ड का चूल्हे के साथ, क्योंकि राइस अंदर भी पकाने जाएंगे तो भी अंदर भी ये सब खुला है, हवा काफ़ी तेज़ है। बारिश होती तो बंद करके पकाते, बारिश तो नहीं है फिलहाल, तो हवा से बचने के लिए ये जुगाड़ करना पड़ेगा। और क्योंकि पहले राइस ही बनाना है, चारा नहीं है ना अपने पास मछली पकड़ने के लिए, हाँ पहले से राइस तो पकाना पड़ेगा भाई, इसीलिए उसी का ही बंदोबस्त कर लेंगे। रात को कैंप फायर या बॉन फायर भी करेंगे क्या? हाँ करेंगे भाई, जानवरों की छप्टिस में तो आग लगाना पड़ेगा ही भाई। ये जो बड़े वाले होते हैं इनको पहले लगाना होता है, ये बड़ा वाला है, इनको पहले लगा लेंगे, फिर इसके अंदर वो दोनों को लगाना पड़ता है। खाली ये इसमें नहीं, ये तो खाली है, मतलब थोड़ा थोड़ा है, जितना है उसमें बस आग जला सकते हैं, वो जो फ्लेम वाला वो होता है ना उसमें आग जला सकते हैं, ये फुल है। इसमें हो जाएगा। चावल इसमें है, चलो जितना पॉसिबल हवा को रोकने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। बिजलियां हो रही है, बादल फट रहे हैं, ज्यादा बिजली होगा तो गाड़ी में घुस जाएंगे भाई, नहीं तो। हाँ चलो, सबसे पहले तो राइस बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि मछलियों के लिए चारा भी बनाना है ना इसीलिए। और अभी क्या करेंगे, बारिश तो अभी तक नहीं आई है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, रात को अगर बारिश आ जाएगी तो लकड़ियाँ वगड़ियाँ कहीं होंगे भी तो भीग जाएंगे, तो भी जलने मुश्किल हो जाएंगे फिर, तो अभी बिना बारिश हुए ही पहले लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं, रात को बारिश आ जाएगी कुछ कह नहीं सकते, जैसे आवाज़ें अभी कर रही है। बाकी ये तो सेफ एरिया है, टेंट खुला रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? ये बंद करना पड़ेगा, चलेगा यहाँ पर क्या होगा? और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आस पास ही देखेंगे, जैसे कि टेंट हमको दिखाई दे उसी हिसाब से हम आस पास ढूंढेंगे थोड़ा। चलो देख लेते हैं पहले लकड़ियाँ क्या कुछ मिलते हैं इस इलाके में, जो कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है लकड़ियों का मिलना, और उसकी वजह यह है यहाँ पर पेड़ ज़्यादा नहीं है ना, है जंगल लेकिन दूर दूर है, वो देख रहे हो वो बहुत दूर है वो, और बादल जैसे साउंड कर रहे हैं, इतना दूर जाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। कुछ अगर पड़े होंगे यहाँ आसपास के इलाकों में तो देखेंगे थोड़ा, बाकी नज़ारे देखिए यार क्या दिख रहे हैं यहाँ से, अमेजिंग है कि नहीं? हाँ भाई, उजाले में ही क्या बढ़िया व्यू, समुंदर जैसे फील आ रही है, और वो अंडमान में या फिर इंडोनेशिया में जैसे आइलैंड्स टापू बने होंगे ना वैसे ही देखिए,
बढ़िया ऊपर जाएंगे देखेंगे उस तरफ देखेंगे ऊपर का नजारा भी थोड़ा चलो देख के आते हैं। और पहाड़ी चढ़ते ही देखो मुझे दिख गया है कि ऐसे लकड़ियाँ चाहिए मोटा भी है भाई। देखिए दोस्तों ऐसे छोटे छोटे बूंद में ही समुद्र बनता है। फिगर बोल रहा है ये देखिए ऐसे मिल जाएंगे तो कैंप फायर के लिए हो जाएंगे सफिशिएंट। और 5-10 देखो कुछ मिलता है तो उठा के जाएंगे। जैसे जैसे पहाड़ी भी चढ़ रहे हैं ऊपर से नज़ारे भी और खूबसूरत बनते जा रहे हैं है कि नहीं। देखो भाई चलते चलते पता नहीं चला ऊपर पहाड़ की चोटी पे चले आए। चलते चलते ढूंढते ढूंढते पहाड़ी की चोटी के ऊपर नज़ारा तो पूरा गजब है। अरे वाह वो एरिया देख रहे हो वो पानी के एड्ज में देखो पेड़ देखो वो कैसा सीन है। देखो वहाँ पे कैंपिंग करने पर बहुत मज़ा आएगा भाई कभी मौका मिलेगा तो। पानी के एड्ज में पेड़ वहाँ पर थोड़ा प्लेन सरफेस भी दिख रहा है मुझे इस एरिया में टेंट वगैरह लगाने के लिए। वहाँ थोड़ा चल के जाना पड़ेगा भाई चल के रास्ता ढूंढते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में पानी ने घेर लिया है ना। घूमते हुए कोई रास्ता ढूंढ के इस तरफ से ऐसे घूमते हुए जाना पड़ेगा लेकिन एक बार वहाँ पे पहुँच गए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और एक बात भाई यहाँ पे भी देखो प्लेन हाँ पहाड़ी के ऊपर में भी देखो प्लेन सरफेस दिख रहा है यहाँ पे। हमने तो कभी ऊपर नहीं चढ़ा था भाई आज पहली बार चढ़ रहे हैं। पहली बार चढ़ रहे हैं यहाँ ऊपर कभी चढ़े नहीं थे तो इसलिए पता नहीं चला था यहाँ पर भी ऐसे खूबसूरत प्लेस है तो बढ़िया है। फिर कभी आएंगे तो चीते को ऐसे ही नीचे रख के पहाड़ी के ऊपर चल के आके कैंपिंग करेंगे मज़ा आएगा। ऊपर से व्यू भी दिख रहे हैं अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ। और कभी मौका लगा तो यहाँ रास्ता ढूंढते हुए भी जाएंगे वहाँ पे भी करेंगे। चलो भैया ढूंढ ढांढ के इतने सारे लकड़ियाँ मिले वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आसपास यहाँ इलाके में ढूंढ ढूंढ के हो जाएगा ना इतना भी। हाँ हो जाएगा भाई रात को ज़रूरत पड़ेगा तो और पास पास में भी देखेंगे। हाँ लकड़ियाँ ये भी बन रहे हैं ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। अभी ये चूल्हा तो बिजी हो गया और कुछ तो कर नहीं सकते लकड़ियाँ ही तोड़ के ये काम ही निपटा लेते हैं। ये काम निपट जाएगा तो बारिश के आने पर भी लकड़ियाँ हम बचा के अंदर लेके रख सकते हैं ना रात के लिए बचा कर। राइस तो पक रहा है लकड़ियाँ तो हमने सेट कर दिया है और कुछ फिलहाल तो काम है नहीं जो असल चीज़ करने आए हैं वही करेंगे पता है क्या रिलैक्स करेंगे भैया कैंपिंग तो रिलैक्सिंग के लिए करते हैं ना थोड़ी देर हम भी रिलैक्स कर लेंगे। हाँ नज़ारों का मज़े ले लेंगे तब तक ये राइस जब पकेगा उसके बाद आगे का काम बढ़ाएंगे। देखते हैं आज जाले में मछली फंसती है कि नहीं पता चलेगा। तब तक प्रिपरेशन करेंगे आज एक प्रॉपर तरीके से एक आइटम बनाने की कोशिश करेंगे रात के डिनर के लिए। राइस तो हो गया खैर बाकी क्योंकि वेज खाना बनेगा काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स भी है आज हमारे साथ कैप्सिकम है फूल गोभी है गाजर है। वैसे कल वीकली मार्केट में गाजर सस्ते मिल गए थे भैया 30 रुपये किलो मिल गए थे जानते हो में तो आज नहीं आजकल नहीं मिल रहा है भाई। देखो प्याज का रेट सुना है भाई प्याज तो भाई आसमान छू रहा है रेट पूछो मत। आलू का रेट सुना है भाई आलू का रेट तो तारे छू रहे हैं भाई क्या बताऊं। अब फूल गोभी दो है और साथ में दो प्याज है फिर भी और ये जो खाना हम बनाएंगे काफ़ी टाइम टेकिंग खाना है आइटम है। गोभी में कीड़ा क्यों रहते हैं भाई कीड़ा है क्या दिख रहा है क्या कीड़ा तो एक देखा ये सब तो कीड़े मकोड़े रहेंगे ही
भाग गया लगता है। देखो काट के निकालना पड़ेगा नहीं तो। वैसे गोभी में अगर कीड़े निकलते हैं ना, ये अच्छी बात है। पूछो क्यों? क्यों भाई? उससे ये पता चलता है ये गोभी में वो मेडिसिन नहीं डाला गया है कीड़ों को मारने के लिए, तो ये सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मेडिसिन डाल देते कीड़ों को मारने के लिए, कीड़े तो मर जाते लेकिन साथ ही साथ हमारे सेहत को भी नुकसान पहुंचता ना। हाँ, तो इससे ये पता चलता है नेचुरल है ये कीड़े है, मतलब नेचुरल है। सही बोला भाई। तो दोस्तों देख रहे हैं, लगातार बिजलियां हो रही है उस तरफ से। चलो इसी के साथ ही काम भी आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या रह गया, सब कुछ कट गया तो? क्या प्याज बाकी है? प्याज बाकी है, प्याज और मिर्ची बाकी है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक एक काम खत्म करते जाना है, निपटाते जाना है। तो भैया तेल तो गर्म हो गया, बीन्स और गाजर फ्राई कर लेते हैं पहले। डाल दो फिर? हाँ डाल दो। अभी इसमें डालने के थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा नमक। क्योंकि यही दो सब्जियां हैं जो थोड़े स्ट्रांग होते हैं ना, बीन्स और गाजर, इसलिए पहले इनको ही फ्राई करना सही रहता है। मतलब ये जो आइटम बनाने हैं वो आइटम बनाने के प्रोसेस में। चलो ये तो बढ़िया से फ्राई हो गया, इसको अभी निकाल लेना पड़ेगा। गैस मैंने बंद कर दिया, इसको अलग से निकाल देंगे। बढ़िया हो गया ना, मस्त हो गया भाई। अच्छा यहाँ तक देख के कौन कौन है हमारी YouTube फैमिली में, जो थोड़ा गेस कर पा रहे हैं कि हम कौन सा आइटम बना रहे हैं, देखते हैं, कमेंट कीजिएगा जरूर। सही से गेस कर पा रहे हैं कि नहीं पता चलेगा, है कि नहीं? हाँ भाई। अब बारी है इनके, प्याज और कैप्सिकम फ्राई कर लेंगे। अभी जो तेजी से हवा चल रही थी ना, अभी थोड़ी थोड़ी वो हवा थोड़ी कम हो गई है, और उससे हवा के बंद होने से एक नुकसान भी है, जानते हो? क्या भाई? कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। हाँ। जैसे जैसे जोर जोर से हवाएं चल रही थी, जब तक तब तक कीड़े नहीं थे, देखो अभी हवा बंद, कीड़ों का आना स्टार्ट हो गया। रात के टाइम में यही मुश्किल है। अब जितना भी कोशिश करो, वेज खाना खाओगे नॉन वेज नहीं खाओगे, लेकिन ये कीड़े मकोड़े आके इसमें गिर जाते हैं और इसको नॉनवेज बना ही देते हैं भाई। ये तो कैंपिंग में हमारा तो चलता रहता है भाई, जितना भी कोशिश करें ये हो ही जाता है। चलो कैप्सिकम प्याज अभी बढ़िया से फ्राई हो रहा है, अभी ही सही टाइम है। ये जो फूल गोभी यहाँ पर रखे थे काट के भिगो कर थोड़ी देर के लिए, इनको भी डाल लेंगे अभी, इसके साथ ये भी फ्राई हो जाएंगे। अभी आग थोड़ा लगाएंगे कि फिर थोड़ी देर बाद लगाएंगे भाई? हाँ मैं सोचता हूँ थोड़ी देर बाद लगाएंगे, अभी भी हवा का चलना कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है ना, चल रही है अभी, तो अभी जला लेंगे तो आग यहाँ छींटे उड़ के यहाँ तक आने के चांसेस हैं। मैं सोच रहा हूँ खाना वाना पहले बना लेंगे, फिर कैंप फायर लगा के मस्त आग के पास बैठ के खाना खाएंगे, मज़ा आएगा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होगी,
साथ में वार्म वार्म कैंप फायर अच्छा लगेगा ना। हाँ ऐसे ही करेंगे भाई। बीच बीच में थोड़ा अजीबोगरीब आवाज आ रहे हैं भाई। नहीं वाइल्ड एरिया में आते ही रहते हैं। वैसे अपना भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊँ आपसे, तो पिछला कैंपिंग भी जब कर रहा था ना, एक तो सोलो कैंपिंग कर रहा था उस टाइम में, जानते हो सियार वगैरह पास में चले आए थे, बहुत चिल्ला रहे थे गिदड़ वगैरह जैसे हमेशा चले आते हैं वाइल्ड एरिया में हमारे यहाँ पर, तो उनको भगाने के लिए मैंने लाइट वाइट जलाया, कैंप फायर भी जलाया था वहाँ पर फायर पिट में, तो उसकी वजह से दूर तो रहे, लेकिन रात भर अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैंने चिकन बना लिया था जो हड्डियाँ पास में डाल दिया था, पास में तो नहीं थोड़ी दूर पर डाला था, फिर भी वो लेकर वहाँ पर टेंट के पास चले आकर वहाँ पर चबा रहे थे, तो अंदर से मुझे आवाज़ आ रही थी वो चबाने की, हड्डियाँ चबाने की, पूरा कड़म कड़म करके आवाज़ आ रही थी। डर के मारे मैंने ईयरफोन डाल लिया था कान में, गाना सुनते सुनते सो रहा था, तो मन को कैसे भी करके तो भटकाना होता ही है, आवाज़ तेज कर लिया मैंने गाना की, आवाज़ तेज करके जैसे कुछ भी नहीं पता ऐसे करके, बिल्ली जैसे आँख बंद करके कुछ नहीं पता उसको सो जाती है ना, वैसे ही सो गया था भाई। फिर सुबह 4 बजे उठा, बाकी काम ख़त्म करके 5 बजे तक निकल गया वहाँ से, ऐसे हो गया था। अकेले में सोलो करना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम होता है, डर लगता है बहुत, और उस टाइम में कुछ भी आवाज़ हो ना डर डबल हो जाता है। वाइल्ड एरिया है ना, दो लोग आज अभी है तो भी डर लग रहा है, तो भी डर लग रहा है यार। ये तो थोड़ा खुले वाला एरिया है, और भी डीप डीप जंगल जाते हैं ना, दो लोग होते हुए भी डर लगते रहता है। हालांकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है इसलिए चल जाता है, नहीं तो पहली बार कैंपिंग किए थे कैसा लगा था वो सोचेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी। खुले जगह में भूत नहीं रहते हैं अभी? हाँ रह सकते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते, भूतों के लिए खुली जगह क्या और बंद जगह क्या, वो तो हर जगह रह सकते हैं। अभी हमें क्या पता इस पेड़ में भूत हो ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी फ्राई हो गया, इसको भी निकाल लेंगे अभी। अभी इसी तेल में ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा जीरा, और इसके साथ मिर्ची प्याज फ्राई कर लेंगे अभी। अब इसको थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। देखो भाई प्याज भी गोल्डन ब्राउन तक फ्राई तो हो गया, अब यही सही टाइम है एक्चुअल में टमाटर डालने का, जानते हो, लेकिन हमारे यहाँ अभी दिक्कत है थोड़ा। पूछो क्या क्या भाई? टमाटर ही नहीं है भाई। मिला नहीं एक्चुअली टमाटर आज, तो उसके बदले में कुछ कॉम्पेंसेट तो करेंगे ही, टमाटर का केचप डाल लेता हूँ, ये क्या बोलते हो, काम चला लेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, इंडियन जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ वाला काम। अभी मसाले भी मिला लेते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब चिली पाउडर। सोच रहा हूँ या तो सूखा मिर्ची पड़ना चाहिए। हाँ सूखा मिर्ची की जगह मिर्ची पाउडर से काम चला रहा हूँ। अपना तो जानते हो जुगाड़ू खाना ही बनता है हमेशा। ये भी एक तरीका चलेगा भाई हमारी नए तरीके से। चलो अभी धनिया पाउडर भी डाल दिया मैंने, ये डाल दिया मसाला पाउडर। आज मार्केट में कढ़ाई वाला मसाला भी नहीं मिला भाई, ढूंढने गया था मैं, अब क्या करेंगे बोलो। दुकानदार क्या घर में जाके सो गया क्या, ऐसे ही टाइप का समझ लो। पानी मैंने डाल लिया है ताकि मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से भुनाई करते हैं इन सबको। कलर तो बढ़िया तो आ रही है भाई, काफ़ी तेज़ हवा आ रही है भाई, बहुत तेज़ हवा है, ठंडी ठंडी, एयर कंडीशनर काम नहीं आएगा, ऐसी ठंडी हवा चल रही है अभी। बदन में पूरा कपकपी सी हो रही है अभी ठंड के वजह से। पेड़ भी ज़्यादा हिल रही है देखो भाई। हाँ
नदी से मतलब नदी के जो मतलब रिजर्वर के पानी उसको छूते हुए ये हवा आ रही है ना ऊपर से रात का टाइम, मतलब ठंड का तो क्या ही कहना। तो पता चला दोस्तों आइटम क्या बना रहे थे हम। मसाले के बारे में मैंने बोल दिया था ना, कढ़ाई मसाला। तो वेज कढ़ाई बनाने की कोशिश चल रहा था दोस्तों यहाँ पर। हड़बड़ी गड़बड़ी में वो भी थोड़ा हमारा नया तरीका ऐड करते हुए। तो ये भी हो जाएगा? ये भी हो जाएगा भाई। नहीं खुशबू से तो पता चल रहा है बढ़िया है तो। हाँ खुशबू सॉलिड आ रही है अभी, मसाले भुन रहे हैं ना। कढ़ाई मसाला नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? उसका प्रोसेस तो हमने ट्राई किया। उसका प्रोसेस सही है तो पूरा उंगली चाट चाट के खाते रह जाओगे। वैसे एक और बात बता दूँ, आज सुबह सुबह ना मेरी बात हुई थी जोजो दीदी से, तो मुझे उनसे बात करके भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। वीडियो कॉल किया था हमारे फैमिली में सब उनके साथ बातचीत किए सब मिलके, बहुत बढ़िया लगा। और वहाँ पर वो बता रही थी टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया है अभी। तो थोड़ा सा यहाँ का जो एसी का हवा है वहाँ पर भेज देंगे क्या? ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे जो अभी एसी वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं वो आपकी ओर थोड़ा सा भेज देंगे ताकि आपको अच्छा लगेगा और हमें थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। अभी मसाले भी भुन गए हैं, हवा चल रही है तो इसीलिए बहुत मुश्किल से भुने हैं। अभी डाल देंगे ये सब्जियाँ जो उस टाइम में हमने फ्राई किया था। और इसको ढक देंगे। तो अभी मछली का हाल देखने चलेंगे क्या? अभी चलो जाते हैं, निकाल लेंगे। जैसे खींच के देखो। हाँ खींच के देखो। क्या हुआ? तो फंसा है भाई। मछली फंसी है? क्या बात करते हो, फंस में क्या? हाँ छोटा वाला। दोस्तों मछलियाँ फंस गई लेकिन छोटी छोटी मछली फंसी भाई। थोड़ा पास में वाला हूँ भाई। अरे भाई बहुत सारी छोटी मछलियाँ, देखो देखो दिखाते हैं। एक चिंगड़ी ज्यादा आए हैं भाई। क्या हुआ है देखो तो? चिंगड़ी चिंगड़ी ज्यादा आए हैं। मैं तो आज सक्सेसफुल करके रहा है भाई। अरे भाई ये देखो 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 देखो, देखो। मछली कूद रहे हैं। इसको थोड़ा स्टील रखो तो, ये घूम रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। देखो कैमरा एक्चुअली फोकस नहीं ले पा रहा है आपको दिखता है, लेकिन काफी छोटी मछलियां हैं ये। ये देख रहे हैं दोस्तों कैसे कूद रहे हैं, देखिए देखिए कूद रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत छोटी छोटी मछलियां आई हैं। और चिंगड़ी आए हैं भाई, चिंगड़ी मनुपड़ा। हाँ दिख रहा है। एक्चुअली ये जाला कवर हो जा रहा है तो ऊपर वाला, इसीलिए कैमरा थोड़ा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन छोटी छोटी मछलियां तो है। देखो ज्यादा आए हैं। चलिए हमने डिसाइड किया कि कैंप फायर बॉन फायर जो भी करेंगे इस तरफ करेंगे टेंट के, क्योंकि वहाँ से नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली हवा चल रही है। उस तरफ लगा रहे जाएंगे तो डेंजर भी हो सकता है ना, आग के छींटे टेंट के ऊपर गिरेंगे तो आग लगने के चांसेस है। और क्योंकि हवा भी चल रही है टेंट के अंदर कुछ कीड़े मकोड़े घुस गए थे, इसलिए जानबूझकर अभी लाइट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है ताकि वो हवा से कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब खाना परोसेंगे तब लाइट लगा लेंगे, टेंट का दरवाजा भी बंद कर सकते हैं उस वक्त। तो लगाना हुआ क्या कर सकते हैं भाई, मछली पकड़ के पूरा ठंडी भी लग रहा है। काफ़ी हवा चल रही थी भाई, बहुत हवा है, नहीं तो बड़े मछली फंसने के चांसेस थे। तो उस वक्त मैं कह रहा था ना ये जो गैस खाली लग रहा है
एक्चुअल में ये जलाने के लिए थोड़े थोड़े होते हैं इसमें, इसलिए ये कैन को मैं वेस्ट नहीं करता। जब तक पूरी तरह से ये खाली ना हो जाते तब तक मैं इस तरह ऐसे ही करते रहता हूँ। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है भाई। जैसे टूथपेस्ट के हर एक बूंद को निचोड़ के इस्तेमाल किया करते हैं ब्रश करने से पहले, उसी तरह ही गैस को भी पूरा निचोड़ के यूज़ करेंगे। एक पैसा कभी वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी तो थोड़ा ये कॉस्टली पड़ जा रहा है भाई, बहुत महंगा आता है ये भी, दिखने में छोटा। हाँ महंगाई भी ऐसा भाई, इसीलिए तो। डाल दो। छोटे छोटे प्लेट से ना, बाद में डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, है कि नहीं? हाँ। चलो और भी कढ़ाई मसाला है यहाँ पर, ले आए हैं। खाना खाते खाते वो डालेंगे, क्योंकि प्लेट छोटी है ना, इसलिए एक साथ नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही लेना पड़ेगा। कैंप फायर का मजा लेंगे, खाना शुरू करेंगे। हाँ बहुत ठंडी भी पड़ रही है भाई। हाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया तरीके से पक गए हैं तो। अच्छा से पक गए हैं भाई। कैप्सिकम का क्या फ्लेवर है यार। यहाँ से तो कुछ तो आवाज आया भाई, मुझे लगता है दूर ना एक छोटा सा गिदड़ का झुंड था वहाँ पे, तीन या चार ऐसे गिदड़, मतलब जैकल बोलते हैं ना, सियार सियार, वो दूर दिखाई दिए मुझे अंधेरे में, थोड़ा थोड़ा उधर चलने जैसा, शायद उनकी आवाज़ होगी वो। कह नहीं सकते भाई। आग तो लगा है भाई। आग लगा है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घूमते रहते हैं इस एरिया में, हमारे एरिया में बहुत है वो। अंधेरे टाइम में छोटा गिदड़ हो बड़ा जैसे लगेगा भाई। हाँ बहुत डर लगेगा। चलो भैया बहुत ठंड लग रही है ना। हाँ भाई। खैर मुझे तो अभी इतनी ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि बाहर की ये सब क्लाइमेट झेलते झेलते मुझे आदत सा हो गया है। फिर भी स्लीपिंग बैग पास में है, बाकी मुझे वैसे भी ठंड थोड़ी, मतलब गर्म थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ठंड थोड़ी कम ही लगेगी, ऐसा ऐसी मुझे ठंड नहीं लगती। मुझे तो ग्रीनलैंड में या फिर आइसलैंड में होना चाहिए था, या फिर कश्मीर की वादियों में होना चाहिए था, मेरा बॉडी शायद उसी के लिए है, ये गर्मी मुझसे संभाला नहीं जाता। बर्फ़ वाली जगह पर छोड़ दो भाई, मैं बहुत आराम से सो जाऊँगा, ऐसे बात है, इसीलिए मुझे इतनी आसानी से ठंड नहीं लगेगी भाई, इसीलिए भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विंटर के मौसम में भी मैं कभी कभी फ़ैन को ऑन कर लिया करता हूँ, और ये भाई साहब मेरे ऊपर चिल्लाते थे, क्या तू ठंड के मौसम में इतना फ़ैन लगाता है, कैसे सोता है तू, ऐसे बोलते हैं, क्या हिम मानव है क्या तू, या कोई अंटार्कटिका से आया है, वैसे बोलते रहते हैं। चलेंगे क्या आइसलैंड कैंपिंग करने के लिए? आइसलैंड कैंपिंग देखेंगे भाई, सपना में देखेंगे। सपना चिंता मत करो, तुम्हारे लिए वो हॉट टेंट वुड स्टोव सब लेके जाएंगे, अच्छी तरह से आग वाग जला के पूरा गर्म कर देंगे ना। सही बात है। ऐसे कर देते हैं, आइसलैंड जाना नहीं पड़ेगा भाई, टेंट के अंदर एक बॉक्स में बर्फ लेके आते हैं भाई। अच्छा आइस, आइस ऊपर डाल देते हैं, यही आइसलैंड हो जाएगा। बोल रहे क्या? इतना दूर का खर्च करके जाओगे? खर्चा करने के लिए क्यों जाएंगे, बिल्कुल ये भी सही बात है, मैं 100% सहमत हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ भी जाओगे बर्फ पाओगे, यहाँ भी बर्फ लेके आ जाएंगे, यहाँ भी बर्फ लेके आ जाएंगे। हाँ थोड़ा थोड़ा टेंट के ऊपर रख देंगे, ये अंदर अंदर थोड़ा रख देंगे, हो जाएगा, ठंडी हुआ तो हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो स्वप्न में ही सोचते रह जाते हैं, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, वो तो खोड़ा नहीं सीजता है। वो रहा आइस, ये रहा लैंड, आइस लैंड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी बता तू, पिछले सोलो कैंपिंग में ना अपने YouTube फैमिली से पूछ रहा था भाई, ड्रोन लाने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली मैं वो पुराना वाला कैमरा बेचने की प्लानिंग कर रहा था, तो जो मैरिज इवेंट वगैरह के लिए रेंट के लिए दिया करता था ना, तो उसको बेच के उसकी जगह पर ड्रोन रिप्लेस करूँ कि ऐसे
एडवाइस मांगा था, तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब शुभकामनाएं देने वाले हमारे YouTube फैमिली हैं, अच्छे अच्छे एडवाइजेस भी मुझे बहुत दिए, सोच समझ कर स्टेप लिया करो या फिर सोच समझ के करो, कैमरा मत बेचो, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो प्लानिंग करो अच्छे से, ऐसे करके मतलब वो क्या बोलते हैं, वेल विशर बोलते हैं ना, बहुत वेल विशर बहुत सारे हैं हमारे जो अच्छे के बारे में सोचते हैं और कंसर्न भी रहते हैं, चिंता करते हैं हमारे बारे में, और वैसे कमेंट भी करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, एडवाइस भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो खूबसूरत एडवाइजेस सजेशंस देने के लिए, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ मैं सबको। तो एक्चुअली हड़बड़ी में शायद मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, मतलब और भी थोड़ा डिटेल में आज कहना चाहूँगा ये कि कैमरा एक्चुअली सेल कर देने से जो ड्रोन आएगा उस पर भी एक्चुअली मुझे रेंट्स मिलेंगे। कभी कभार ऐसे रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट हो गया, या फिर कहीं पर कुछ रियल इस्टेट का काम हो गया, ज़मीन देखना हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ड्रोन के भी जॉब्स मिलते रहते हैं ना, तो उसी वजह से मैं सोच रहा था ड्रोन भी ले आएंगे तो वो भी मल्टीपर्पज़ हो सकता है मे बी, जैसे कि अगर यूट्यूब के लिए भी हो जाएगा और सिर्फ यूट्यूब के लिए ना होके जब भी मुझे रेंट के लिए मतलब प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जॉब्स मिल जाएंगे, तो वो भी मैं साइड में कर पाऊँगा। तो इसी हिसाब से प्लानिंग करके मैंने एक्चुअली पूछा था। तो YouTube में अगर दिखाएंगे ड्रोन वीडियो से वगैरह, मतलब देखने को पसंद करेंगे या ना करेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना, ऑडियंस को क्या पसंद है ज़्यादा, एरियल व्यूज़ देखना बीच बीच में पसंद है कि नहीं। तो अभी भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ है, नए चैनल में भी पुराने चैनल में भी, तो प्लीज़ अपना कीमती वोट दीजिएगा और अपना राय सुझाव ज़रूर बताइएगा, आप क्या पसंद करेंगे देखना ये सब। तो मैं प्लानिंग करूँगा, अभी मैं पूरा 100% वो नहीं करूँगा, कमिट नहीं करूँगा, तो उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करूँगा, बाकी अपना सुझाव देते रहिएगा ऐसे ही आगे। तो आज का कढ़ाई बिरयानी कैसा लगा दोस्तों? कढ़ाई बिरयानी, बिरयानी कब बना लिया मैंने? खाते हो खुद ही, भूल जाते हो खुद ही। अरे राइस बनाया था ना हमने, कढ़ाई वेज कढ़ाई मसाला बनाया था। तो पहले बोलना था भाई वेज कढ़ाई है। अच्छा खाने के बाद भी तुमको पता नहीं लगा वो बिरयानी लगा? क्या बोलूं भाई मैं अभी। मतलब तो बोलने के बाद रोबोट जैसे खाते हो क्या? हाँ मैं बिरयानी खा रहा हूँ। ऐसे क्या? हाँ मैं अभी राइस खा रहा हूँ। नहीं भेजे में किसने डाल दिया राइस को भी बिरयानी बोल के? हाँ ये राइस को भी बिरयानी खा लिया। अच्छा बिरयानी समझ के खा लिया तुमने? बोल लंबे लंबे वाला चावल था ना भाई। अच्छा इसलिए तुमको बिरयानी लगा वो? चलो जब टेस्टी लगा ना। हाँ टेस्टी तो बहुत लगा। तो फिर मेहनत का वो सफल हो गया भाई, तो फिर मेहनत सफल हो गया। बढ़िया लगा भाई कि हाँ आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्टी नहीं था, लेकिन हमारे मेहनत के हिसाब से जितना हमने बनाया ना वो हिसाब से टेस्टी था, है कि नहीं? मतलब मजे से हमने खाया, ऐसा नहीं कि हमने एंजॉय नहीं किया, मजे से पेट भर के लेकिन खाया हमने, ये बात तो है। बाकी वो मसाला टमाटर वगैरह डाल के बनाते तो और भी कुछ। एक बात बताऊं क्या, इस कड़े भेद को कितना वोट चाहिए भाई? कितना वोट मार्क बोल रहे हो क्या? ठीक है दोस्तों आप बताइएगा, मतलब ये इतना परफेक्ट भी नहीं था, लेकिन आज के हिसाब से मेहनत के हिसाब से जो भी बनाया मार्क दीजिएगा, आपको कितना अच्छा लगा, क्या लगा। बाकी प्रॉपर जैसे कढ़ाई भेज बनाते हैं वो भी बनाएंगे, वो मसाला लाएंगे प्रॉपर जैसे वो कुटाई वगैरह करते हैं ना, मार्केट से कहीं से भी ढूंढ के लेके आएंगे, हमारे यहाँ रूरल एरिया है ना, ज़्यादा चीज़ें मतलब एंड वक्त मिलता नहीं, ठीक मौके पर मिलेगा सही चीज़ तो उठा के लेके आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अमेजोन से एक बार मंगाया था भाई, वो भी चिकन को पका के कोस दिया लगता है। बिल्कुल एक्चुअली थोड़ा याद है। हाँ एक्चुअली ये मसाले वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है, मैक्सिमम सब कुछ बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, छोटा सा गांव है, मतलब शहर है, शहर कह सकते हैं गांव कह सकते हैं कुछ भी ऐसे, तो बाहर से मंगवाना पड़ता है। और वो कढ़ाई मसाला को चिकन में मैंने थोड़ा नए तरीके से भून लिया था, इसलिए वो भी ख़त्म हो गया था, यहाँ पे ढूंढने गया था वो नहीं मिला, टमाटर भी सही मौके पर नहीं मिला, ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करेंगे अभी मार्केट की स्थिति को लेकर कभी कभी बंदोबस्त करना पड़ता है कि नहीं? तो चलो भाई कहानी वहानी सब कुछ तो हो गया, सो जाएंगे अभी? हाँ सो जाते हैं। आवाज़ उस टाइम में देखा था ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ वो टाइम में थोड़ा थोड़ा तो आवाज़ था उधर, छोटा सा झुंड था लगता है वो सियार लोगों का, थोड़ा होशियार रह के सोएंगे। चिकन भी नहीं खाया तो इसलिए भी मैं सुना था
यार लोग मछली केकड़े पकड़े पकड़ते हैं क्या, फिशिंग करने आते हैं क्या वो? नहीं, नदी के पास आते हैं वो लोग, मैं सुना हूँ। नहीं, उसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं। हमारा जाला रेंट पे दे देंगे क्या? देखो नहीं, कुछ लोग बोलेंगे ये शेयर लोग भी मछली पकड़ते हैं। कैसे फिशिंग खाते हैं? अच्छा, ऐसे जैसे भालू मछली पकड़ते हैं वैसे बोलते हो क्या? हाँ। मतलब भालू जैसे मछली पकड़ते हैं तो लात मार के निकालते हैं मछलियों को, ऐसे? मैंने तो खुद आंखों में नहीं देखा। हाँ। ये लोग मतलब सुनी सुनाई कहानी, बिल्कुल हो भी सकता है ये, मुझे भी नहीं पता ये कितने दूर तक सच्चाई है इसमें। मैंने भी कभी नहीं देखा सियार मछली पकड़ते हुए, कह नहीं सकते, लेकिन हम तो पानी से दूरी बनाए रखे हैं, फिर भी सतर्क रहेंगे थोड़ा, कुछ भी आवाज़ आएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे उस। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और भी पसंद आएगा तो क्या करिएगा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल रहे हो? हाँ, लाइक। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, कुछ मिलता है तो दिखाएंगे रात को, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठ के भागना पड़ेगा भाई। कमेंट है तो बढ़िया लग रहा है।